हरी के चर्चे हर जगह है भाई। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। अगला दिन शुरू हो चुका है और मैं हूँ किसी मॉल में। अब ये सोच रहे होंगे सुबह सुबह मैं मॉल क्यों आ गया, तो मैं पहले कहीं बैठता हूँ, फिर अच्छे से सारी कहानी बताऊँगा। उसमें बर्गर सस्ता। ब्रेकफास्ट करके फिर आपसे बात करते हैं। हाँ तो भाई, ब्रेकफास्ट हो गया कंप्लीट। हाँ, अब मैं बताता हूँ आपको पूरी कहानी क्या हुआ। जैसा कि मैंने बताया था, हॉस्टल मैंने गलती से ख़राब बुक कर लिया। फिर वहाँ का वॉशरूम यार इतना गंदा, तो मैंने इस पर गूगल पर डाला मॉल नियर मी, तो ये पता नहीं क्या नाम है इसका, ये दिखा, मेट्रो लिया और सीधा यहाँ पहुँच गया। ट्रैवलिंग में ये सब एक्सपीरियंस होता रहता है। अगली बार से मैं ध्यान रखूँगा, हॉस्टल अच्छा बुक करूँगा भाई, देख करके। आप आते समय बिल्कुल ऐसा ध्यान रखना कि सेंटर के अगल बगल लें। 400 रुपये तक का हॉस्टल बुक करना या उससे ऊपर, हॉस्टल कीनो नाम है, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। तो इसके बाद जैसे मालूम है आपको कि मेरा ड्रोन टूट गया था सेंट पीटर्सबर्ग में, उसका सर्विस सेंटर यहीं पर है। आज मैं जा करके उनको दे सकता हूँ और कल शाम तक मैं रिसीव कर सकता हूँ। तो मैं वही सोच रहा हूँ जा करके उनको दे दूँ, क्योंकि मेरे पास कल तक का ही टाइम है, परसों मेरी फ्लाइट है सुबह सुबह। ब्रेकफास्ट भी हो गया, अब चलता हूँ अपना ड्रोन पिक करवाने के लिए। यहाँ से मुझे बस इसके मॉल के जस्ट सामने ही मेट्रो है, मेट्रो स्टेशन, वहाँ से मेट्रो लेनी है। एक या दो मेट्रो चेंज करके टोटल टाइम दिखा रहा है 1 घंटे का। चलते हैं वहाँ पे, या ड्रोन ठीक हो जाए। अभी तक पीटर्सबर्ग हो गया, मॉस्को हो गया, एक भी ड्रोन शॉट नहीं आया है उसमें। ड्रोन लिया यार, ड्रोन शॉट डालने के लिए ना, तो जल्दी जल्दी ड्रोन ठीक करवाता हूँ। देखता हूँ उसमें कितना टाइम लगेगा, कल मुझे मिल पाएगा कि नहीं, क्योंकि मेरे पास परसों का ऑप्शन है नहीं, तो मुझे एनी हाउ कल ही चाहिए वो। आज का मौसम भी सही है, होपफुली कल का मौसम भी सही हो। मैंने वेदर फोरकास्ट में देखा था, सही दिखा रहा है वहाँ पे भी। ठंड रहे कोई बात नहीं, बारिश नहीं होनी चाहिए बस। मैं ना सैनिटाइज़र लाना भूल गया। वैसे तो यहाँ हर मेट्रो स्टेशन के बाहर आपको सैनिटाइज़र मिल जाएगा, लेकिन एक साथ में होना चाहिए ना। ये सामने आसान नाम का कोई जैसे सुपरमार्केट है, चल के देख लेता हूँ, अगर मिल जाए मैं तो एक ले लूँगा यार छोटा वाला। दिल को तसल्ली रहता है कि हाँ आपने सैनिटाइज अपने हाथ को सैनिटाइज किया। टेली दुआ, सिम कार्ड, MTS, मेरे पास MTS और बिलाइन दोनों का सिम है, दोनों ही अच्छा है। 200 रुपये में मिल जाएगा आपको अनलिमिटेड 1 महीने के लिए 4G स्पीड के साथ। अविया पार्क नाम है, और ये सामने है मेट्रो स्टेशन, M का साइन दिख रहा है ना। मैं हूँ यहाँ पे अभी, मुझे जाना है इधर, फिर यहाँ से मुझे लेनी होगी दूसरी मेट्रो। ये सबअर्बन रेलवेज, सबअर्बन ट्रेन्स, मतलब मॉस्को के अगल बगल में जो गांव वाला इलाका है ना, उसके लिए ट्रेन जाती है। ये था ड्रोन का सर्विस सेंटर, ये तो काम बना नहीं, कल फिर आना पड़ेगा सुबह सुबह। बहुत दूर चल के आना पड़ा मुझे यहाँ, तो फिर भी काम नहीं हुआ। यहाँ आने के बाद ये मालूम पड़ा कि अगर आपने आज ड्रोन दे दिया और कल उनका फ़ोन आएगा कि ये ख़राब है, इतना रुपया लगेगा, और आपको वो महंगा लगा और आपने कहा कि नहीं 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 छोड़ दो, तो सिर्फ देखने का वो लेंगे 5,000 रुपये। मान लो इन्होंने कहा 10,000 लगेगा ठीक करने में, तो मैं तो छोड़ देता ना,
लेकिन उसके बावजूद मुझे 5,000 देना पड़ जाता, इसलिए मैंने कहा एक काम करो रहने दो, चाइना से मंगाऊंगा उसका पार्ट और स्टेब्रोपोल में कहीं पे ठीक करा लिया जाएगा। बहुत दूर था यार, आते आते ही हालत ख़राब हो गई। चल के पहले कहीं बैठते हैं, पानी वानी पीते हैं, फिर आगे जाएंगे। ये देख के लेना, ये जिस पे ये आगे ये HE और इसको कहते हैं नी गाज, ये है नॉर्मल वाटर। ये मुझे पार्क दिखा बगल में, मैं आके यहाँ पे बैठ गया हूँ। यहाँ बैठते हैं, पानी वानी पीते हैं। ड्रोन का काम तो आज हुआ नहीं, कल देखते हैं। ड्रोन का काम तो आज नहीं हुआ, तो एक और सर्विस सेंटर में बात किया DJI की, उसने कल बुलाया मुझे, तो कल जाते हैं 11 बजे, उसके बाद देखते हैं। फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ हरबार स्ट्रीट और ये बस नंबर T52 चार्जिंग पोर्ट्स बस पर भी। I'm going out my mind, give me some directions to get to you, to get to you. ये तो मेरी बस, सही है, मॉस्को का पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा है काफ़ी। मैं तो अभी कल ही ना आया हूँ, हाँ कल से मैं सारी जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहा हूँ, अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। और गूगल मैप से अच्छा आप यांडेक्स मैप यूज़ करें, वो ज़्यादा एक्यूरेट और अपडेटेड है। सड़क की सफाई चल रही है। ये अरबाज स्ट्रीट, जगह जगह आपको ये रोड से वाले दिख जाएंगे। डोनेशन दे सकते हैं यार, मास्क उतार लेते हैं, घुटन हो रहे थे। भीड़ कम नहीं है इधर, अभी तो अंधेरा भी नहीं हुआ है, अंधेरा होने के बाद यहाँ का अलग ही माहौल होगा। फ्रिज मैग्नेट 100 रुपए का। भर भर के यहाँ पे सुवेनियर का दुकान है, ये देखिए, ये है फ्रिज मैग्नेट 300 रुपए का। थोड़ा महंगा यहाँ पे, ये एक्चुअली टूरिस्टिक स्ट्रीट है इसलिए यहाँ पे ज़्यादा महंगा है, कहीं और से ले लेंगे। मेट्रो स्टेशन के भी बाहर लगा होता है वो दुकान, जैसे सुवेनियर शॉप, वहाँ से लेने में सस्ता मिलेगा। यहाँ पे तो महंगा है थोड़ा यार, थोड़ा नहीं काफ़ी महंगा, जो चीज़ें वहाँ पे 20 रुपए की होती है यहाँ 100 रुपए की। रात में यहाँ पे बहुत ज़्यादा रौनक होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि इस टाइम इतना क्राउडेड है ये,
भाई उधर आप देखो ऊपर से सिर्फ और सिर्फ सर दिख रहा है, इतना ज़्यादा भीड़ है। ये तो सस्ता है वो सौ दो सारी रशियन साड़ी में भाई धोती में Возьмите, пожалуйста. हरी बोल। हरी के चर्चे हर जगह है भाई, हमारे भगवान विदेश में भी फेमस हैं। साफ सफाई भी तो ये लोग बहुत ध्यान रखते हैं। सिटी लाइब्रेरी और ये लेनिन का स्टैचू भी बना है यहाँ पे। और बाट सीट से मैं इस साइड आ गया, रेड स्क्वायर की साइड ही फिर से। ये मेरे पीछे से दिख रहा है ना, ये है क्रेमलिन। और बाट सीट से चलते चलते मैं इधर ही आ गया, सारा चीज़ वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है यहाँ पे। ये पीछे क्रेमलिन और यहाँ से आई थिंक 300-400 मीटर दूरी पे रेड स्क्वायर है। तो अभी मैं वापस से वहीं जा रहा हूँ। वैसे भी शाम के हो चुके हैं 7:30, भूख भी लग गई है, डिनर का टाइम भी हो ही गया है। वहीं पे कोई रेस्टोरेंट ढूंढ करके शॉर्मा या नहीं तो KFC मैकडोनल्ड है ही। वैसे में आपको फाउंटेन बहुत मिलेंगे, काफ़ी सुंदर फाउंटेन है ये, काफ़ी बड़ा भी है इधर। मतलब ये 100 मीटर के रेडियस में मुझे लग रहा है एटलीस्ट 5 फाउंटेन तो होंगे ही। ये देखिए इधर से लोग आ जा भी रहे हैं। बहुत हैपनिंग सा माहौल है यहाँ पे। ये बिल्डिंग्स यार जब इस पे लाइटें जलती है ना ये और भी खूबसूरत हो जाता है। USSR टाइम की बिल्डिंग है। कैफेटेरिया में आ गया हूँ, यहाँ मैकडी और KFC दोनों ही है। ऑर्डर करते हैं कुछ खाना, करा लिया मैंने पैक। कोई अच्छा सा जगह देख के बैठ के पहले खाना खाएंगे। रेड स्क्वायर के लिए यही है मेन एंट्रेंस। और ये रहा सेंट बेसिल कैथेड्रल, वापस से वहीं जहाँ मैं कल आया था। यहाँ का माहौल ही इतना अच्छा है ना यार कि बार बार आने का मन करता है।
Здравствуйте. इसमें चिकन KFC का और इसमें है बर्गर मैकडी का। खाने से पहले हाथ सैनिटाइज कर लेना चाहिए। यहाँ पे बैठ के मैं खा रहा हूँ जहाँ पे कल खाया था। तो गाइस डिनर हो गया अपना कंप्लीट। मेरे कैमरे का भी बैटरी बस अब 2 मिनट और चल सकता है। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अभी एक दिन और है हमारे पास कल, तो देखते हैं कल क्या क्या करना है। बाय बाय, गुड नाइट।